दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में बीती रात अवैध रूप से चल रही प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भयानक आग। फैक्ट्री में बनाए जाते थे हेलमेट। आग में जलकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची दमकल ने किया आग को काबू। स्वरूप नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। बीती रात नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके के इस मकान में बनी इस फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार इलाके में ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, जहां प्लास्टिक के हेलमेट बनाने का काम किया जाता है। और कल रात को अचानक से इस फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने काफी भयानक रूप ले लिया, जिसमें दो लोग बड़ी तरह जल गए, जिसमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई जबकि दूसरा अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आग की सूचना के बाद मौके पर पुलिस, दमकल और कैट्स एम्बुलेंस पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मरने वाला वर्कर 24 साल का देवेंद्र है, जो जली हुई हालत में मिला। दूसरा वर्कर घायल है, जिसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल से सफदरजंग के लिए रेफर किया गया है। इस फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसकी वजह तो अभी साफ नहीं हो सकी है, लेकिन फिर आशंका है कि शायद बिजली के शॉर्ट सर्किट या किसी और वजह से आएगी लगी होगी। आग की इस घटना के समय इलाके में अफरातफरी का माहौल बन गया और स्थित लोगों में अब भी दहशत का माहौल है, क्योंकि इस पूरे एरिया में ऐसी कई अवैध फैक्ट्रियां हैं जो रिहायशी मकानों के बीच में बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से चल रही है, जिन पर न तो पुलिस कोई एक्शन लेती है और न ही प्रशासन कोई कार्रवाई करता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतें किए जाने के बावजूद भी न जाने कोई इस ओर कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं को जाती है। बहरहाल स्वरूप नगर थाना पुलिस में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव गृह में सुरक्षित रखवा दिया गया है और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साफ कर दिया है, दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में ऐसी सैकड़ों अवैध फैक्ट्रियां बिना किसी रोक टोक के चल रही है, जो असलियत में लोगों की जान से सरासर खिलवाड़ है, जिसे देखकर भी न जाने क्यों प्रशासन देखकर भी अनदेखा कर रहा है।